कैमरा गिरते गिरते बच गया, बताता हूँ क्या हुआ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राइड विद किक। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा, मतलब कि बहुत लोगों के काम आने वाला है। तो वीडियो पूरा देखो। तो एक्चुअली आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं बोट के सर्विस सेंटर पर, बिकॉज जो मेरा बोट का ईयरफोन है उसका एक ईयरबड बंद हो गया। नॉर्मली कॉमन प्रॉब्लम है ये बोट के ईयरफोन में। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले भी वहाँ पर 2-3 बार जा चुका हूँ। तो भाई वहाँ पे बस अपना इनवॉइस लेके जाना है, क्या प्रॉब्लम है बताना है, वो ईयरफोन को उठा के साइड में रखते, नया देते, बाकी कुछ भी पूछते नहीं। तो ये मामले में बोट का सर्विस सेंटर मेरी तरफ से तो भाई बहुत ही सही है कि मैंने भाई खुद से ही आज अपनी दाढ़ी बना लिया। तो मतलब जैसे देख सकते हो मैंने शेप, मतलब शेप दे दिया खुद से, थोड़े टेढ़े मेढ़े है बट खुद से किया है भाई, पहली बार किया है। तो मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी कमेंट में बताओ कैसा है, एक बार देख लो आप लोग भी। तो भाई जैसा भी रहेगा कमेंट में बताओ मुझे। फिर अभी चलते सीधा और आपको मिलेंगे बोट के शोरूम पे। बच गया, बहुत धक धक हो रहा है दिल, कैमरा गिरते गिरते बच गया। बताता हूँ क्या हुआ। ये जो माउंट आप लोगों को दिख रहा है मैंने लगा के रखा था, यहाँ से शूट कर रहा था, मतलब कि टाइम रैप वीडियो ले रहा था और ये भाई साहब इसका गम निकल गया। ये नसीब से मतलब ये कैमरा ऐसा गिरा और यहाँ पे मतलब पैर के पास ही फंस गया, वो फटाक से मैंने पकड़ लिया। हाँ फिर इसके भाई कुछ दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो अभी कैमरा स्विच करते, ओके कैमरा स्विच हो गया, इसको बैग में डालते हैं ये माउंट को। भाई आज का क्लाइमेट है ना बहुत खतरनाक हो गया है। हेलमेट जो मैंने आज पहना उसमें ये माउंट नहीं है कि मैं ब्लॉक कर पाऊँ, तो इसलिए अभी चलते हैं हम लोग। और अपना सिग्नल भी खुल गया, तो अभी चलते हैं हम लोग सीधा, आप लोगों को बोट के सर्विस सेंटर पर ही मिलते हैं, मतलब कि गोरेगांव में। तो अभी चलो, हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमको आना था, मतलब कि बोट का सर्विस सेंटर के पास। हेलमेट लॉक कर देता हूँ यहाँ पर ही। तो अभी कैमरा को भी यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ओके भाई, तो अपना जो है हेलमेट भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे लॉक कर दिया। और आप लोगों को दिखा दूँ कि सर्विस सेंटर कहाँ पर है। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है इसके अंदर ही सर्विस सेंटर है, गुरु गोविंद सिंह करके है। तो इसके अंदर से जाके आगे से लेफ़्ट लेना है। सामने दीवार तो आपको दिख जाएगा बोट के लिए एरो मारा लेफ़्ट में, अगर दिख रहा है तो यहाँ से लेफ़्ट लेके सामने वाले बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर बोट का सर्विस सेंटर है। तो यही वाले बिल्डिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर बोट का सर्विस सेंटर है। और भाई मैं एक्चुअली बहुत थक गया हूँ क्योंकि सुबह से आज बहुत काम कर रहा हूँ और कल नाइट में भी काम पे था और नींद भी अच्छे से पूरी हुई नहीं। फर्स्ट फ्लोर और सीढ़ियाँ जैसे देख सकते हो भाई इतनी बड़ी बड़ी है, पैर दुखने लग रहा है। ओके तो ये जो है सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, देखते हैं चालू है कि नहीं। ये बोट का और यहाँ पे कुछ इनका इन्फॉर्मेशन वगैरह लगा के रखा है। तो यहाँ पे नॉर्मली 1-2 ही नंबर है, तो इसके बाद में अपना है। तो देखते हैं भाई अभी यहाँ पे कितना टाइम लगता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखा है। अच्छा ओके, तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो बोट का मैं चेंज करने के लिए आया हूँ ये तीसरी टाइम है, ऐसा भी नहीं कि पहली टाइम। तो यार ये बोट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, तो बाकी तो सब बढ़िया है। अभी अपना नंबर आ गया, चलते हैं अंदर चेक करना है। ओके ओके, तो अपना टेम्परेचर भी ओके है और ये सर्विस सेंटर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे जस्ट एक भाई बैठे हैं, उनको ये देना है, इनवॉइस देना है, प्रॉब्लम क्या है बताना है, रिप्लेस होके मिल जाएगा। बस बहुत छोटा और अपना नंबर आ गया है अभी। तो अभी चलते अपन भी चेंज करवा के लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अपनी बारी आ गई है, इसका एक साइड का ईयरबड है ना वो काम नहीं कर रहा है, और हार्डली मैंने इसको दिसंबर में या फिर ये सब टाइम पे आके कुछ चेंज करके गया था मैं। तो चार्जर कौन सा यूज़ कर रहे हो? चार्जर इसका नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी इनको दे दिया है भाई को और अपना रिप्लेसमेंट का प्रोसेस चालू है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, तो अपने को मिल गया, तो अभी चलते हैं। चलो ओके, तो फाइनली अपना रिप्लेस करके हो चुका है और अपने को न्यू वन मिल चुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा नहीं है, मतलब कि चेंज करने का टाइम रहेगा, तो सिंपली अपना इनवॉइस लेकर आओ। आपका अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे जहाँ से भी बुक किया है आपको इनवॉइस मिल जाएगा। इनवॉइस ले लो, वारंटी में है तो चार्जिंग का प्रॉब्लम रहने दो या फिर ईयरबड का रहने दो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम रहने दो, रिप्लेस होके मिल जाता है। ओके, तो इसको चेक करना भी ज़रूरी है, तो मैंने चेक कर लिया निकाल के, सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है। ओके, तो अपना जो है रिप्लेसमेंट करके हो गया है, नया ईयरफोन मिल गया, तो अभी घर चलते हैं। और ये ब्लॉग तो बस मैंने ऐसे ही बनाया कि इनकेस अगर किसी को बोट का ईयरफोन लिया है या कुछ भी लिया, अगर प्रॉब्लम है उसको तो वो मतलब कि सॉल्ट आउट कर सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार अपने को सब्सक्राइबर की ज़रूरत है अभी। तो भी चलते, फिर ऐसे मिलेंगे नए किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, बाय बाय।